लोग कहते ना इंकलाब कैसे आए, इसके अंदर इस पूरे इस कॉल में पूरा प्रोग्राम है इंकलाब। लौकान अव्वल मा नज़ला मिनल कुरान ला तशरिबुल खमर वला तज़नू, कि अगर पहली चीज कुरान में ये नाजिल हो जाती, अल्लाह ताला जब साइकोलॉजिकल बिल्डिंग कर रहा था, एक उम्मत बना रहा था, एक थिंक टैंक्स की जमात खड़ी कर रहा था, तो वो कहते हैं कि अगर पहली चीज कुरान में ये नाजिल हो जाती कि शराब मत पियो माइक्रोस, जिना मत करो माइक्रोस, हराम हलाल माइक्रोस है ना, तो लकालु वल्लाहि ला नतरकुल खमर अबदा वला नतरकुल जिना अबदा। हमारी सोसाइटी इतनी केपेबल ही नहीं होती कि हम जिना और शराब छोड़ पाए, क्योंकि आपने माइक्रोस छेड़ दिए पहले आके। वलाकिन कान अव्वला मा नज़ला मिनल कुरान, लेकिन पहली चीज जो खालिक कायनात ने फ्रेमवर्क सेट करने के लिहाज से उतारी, फीहा ज़िक्रुल जन्नति वन्नार, उसमें जन्नत जहन्नम के पैराडाइम को, उखरवी जिंदगी को, आखिरत की जिंदगी को सेट किया उसके माइंड, कि एक सोच है लाइफ प्लस आखरा और एक है दुनिया एंड लाइफ माइनस आखरा, बहुत फर्क है। उन्होंने अल्लाह ने उतार के उसे गैब से गैब मुतारिफ कराया, गैबी दुनिया, द अनसीन वर्ल्ड, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। इस हद तक के दिलों के जब फ्रेमवर्क्स और पैराडाइम सेट हो गए कि ये क्या है, वो कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूं, नफ्स क्या है, शैतान क्या है, दुनिया क्या है, मकसद क्या है, परस्पेक्टिव्स क्या है, गोल क्या है, अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, मिशन क्या है, चाहिए क्या, करना क्या है, कैसे कैसे पे बात नहीं की, हाउ पे बात नहीं की, वाई पे बात की, हाओ पे बात नहीं की। हाओ तो मदीना में आया ना, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, ये तो बाद में आई है तफसीलात। 86 सूरतों पे सिर्फ उसका फ्रेमवर्क सेट किया, पिछली कौमें क्या कर रही थी, क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज क्या चलती आ रही है, और उनका दिमाग सेट किया। हत्ता इदा साबतुल कुलूब इला रब्बिया, इस हद तक के जब माइंड और दिल सेट हो गए, साबित कदम हो गए, नजल अल हरम व हलाल, फिर अल्लाह ने हराम भी नाजिल किया और हलाल भी नाजिल, और वो दो दो मिनट में काम हो जाते थे। अमेरिका में 1929 में शराब के ऊपर बैन लगाया गया, द माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने 1929 में शराब बैन की, और लोगों ने, क्योंकि वो तैयार नहीं थे और वो एक नफ्स परस्त माशरा था, उन्होंने घरों में शराब बनाना शुरू किया। ये ग्रेट डिप्रेशन का दौर कहलाता है यूएस के, जब यूएस के ऊपर बहुत सख्त फाइनेंशियल डिप्रेशन है, आज भी आया है लेकिन रिसेशन है, डिप्रेशन भी है। तो 3 सालों में शराबें घर में बन रही थी, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस शराब बनाने का इतना गलीज है कि उससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि खमीर बनाना पड़ता है ना यीस्ट। तो 3 साल के बाद द माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड टू लिफ्ट द बैन अप, 3 साल में उसको अपना कानून वापस लेना पड़ा। 1450 साल पहले मदीने में एक आयत नाजिल हुई, जिसके पेट में थी उसने हाथ डाल के कह कर दी, जिसके मुंह में थी उसने उल्टी कर दी, जिनके मटकों में थी उन्होंने बहा दी। क्या समझ आया? जब फ्रेमवर्क सेट होता है ना आदमी का, तो हुक्म नाफिज करना मुश्किल नहीं होता।